और कैसे हो माय गर्ल? हाँ और कुछ नहीं, जिंदगी बेकार हो गई। तेरी बीवी वापस आई? नहीं यार, केंजरी ने मेरा फोन ब्लॉक कर दिया है। मैं अपने बच्चों को कितना याद करता हूँ, कोई समझ सकता नहीं ये बात। कैसे हो लोगो? हमें तो इतना लेट क्यों है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे अपने बिजनेस का भी ध्यान रखना होता है, समझते नहीं और क्या तुम? हाँ, तुम जस्ट से लोगों से तो दूर रहना ही बेहतर है। फ्रैंकलिन, अगर तुम्हें कभी किसी से कुछ सीखना हो तो मुझसे सीखना, नहीं फ्रैंकलिन, तुम मुझसे सीखोगे। नहीं, फ्रैंकलिन, एक अच्छे इंसान से सीखना कभी भी। ए, बस बस बस, मैं तुम दोनों से कुछ ना कुछ सीखूंगा और बुरी आदतें नहीं सीखूंगा। कहाँ है ये मदरचोद? ए, कैसे हो तुम लोग? हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ, हमें कुछ काम है तुम लोगों से, बाकी का तुम्हें ये डेव बताएगा। हाँ, हमें तुम लोगों से बहुत ज़रूरी काम है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एसेट ना रुको 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 देव, मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एसेट बना रहे हैं। रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ, हम लोग तुम्हारे फालतू काम से क्या करें? हाँ, हम मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे इस फालतू बकवास काम में। वेरी गुड माइकल, वेल सेड। हाँ तो, हाँ मैं भी तुम्हारे इस फालतू काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता। हम क्या करें इस अमेरिका की जमीन का, हमारे क्या देती है? और हम एफबीआई की मदद क्यों करें? क्योंकि एफबीआई के पास अभी भी तुम लोगों के सारे राज हैं, समझे? और जब एफबीआई चाहे तुम लोगों को गुद्दी से पकड़ लेगी। हाँ, और वैसे भी मुझे तुम दोनों चूतियों की जरूरत नहीं है, वैसे मुझे माइकल की जरूरत है, सिर्फ माइकल। और वो एसेट अभी के अभी हमें जाकर लाना है किसी भी हाल में। अब तुम सोच लो, या तो मैं तुम लोगों के राज आउट कर दूंगा या फिर हमें धमकियां मत दे, तू बाहर ही रह चूतिए। तो हाँ, तुम दोनों दफा हो जाओ और तुम आओ। तुम्हें कौन सा साइज पूरा आएगा माइकल? कोई भी ले आओ। हाँ माइकल, तेरी बचाई गई है। ठीक है माइकल, आगे हमने एक निशान लगाया हुआ है, तुम बस कश्ती वहां तक लेके चलो। क्यों मैं ये बात जान सकता हूँ कि इन्होंने कौन सा एसिड बनाया हुआ है? वैसे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर तुम पूछ रहे हो तो चलो बता देता हूँ। इन्होंने एक ऐसा एसिड बनाया हुआ है जो किसी को लग जाए तो उसकी फौरन मौत हो सकती है, समझे? कुछ सच में ऐसा भी ऐसे है? बेटा, अभी तो कुछ नहीं जानता, बीच में ना पड़। और हाँ, अभी इंदर बहुत सारे लोग होंगे, उन सारों को बारी बारी करके मारना, साथ ही ना मारना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। सारों को इस तरह मार देंगे, बिल्कुल लास्ट है, बस 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 बस, बस पहुँचने ही वाले हैं हम। लो बस, जगह आने वाली है। उफ, हे जल्दी, तुम आ सुनो, जल्दी जल्दी जल्दी, लेट्स गो, जल्दी करो। उस एसेट को मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड फ्लोर पर होना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। कोई आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जल्दी 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 मार, फायर ना, डोंट फायर, डोंट फायर। हाँ, ये सही, ये सही। इसका कार्ड ले लिए? हाँ, मैंने कार्ड ले लिया इसका। अब अगले फ्लोर पे वो आदमी आ गया होगा। हाँ, मार 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 मार, चल चल चल, इसी रूम में आसपास कहीं होगा वो आदमी। चक्कर चक्कर चक्कर। हाँ, वो बंदा आ रहा है, उसके ऊपर निशाना रख, निशाना रख, निशाना रख, निशाना रख, फायर। चल, वो थोड़ी के दरवाज़ा खोल, वो खोल। ये नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज मेरे हाथों में है। हाय 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 हाय, चल जल्दी,
अब असली टेंशन निकाल ली, ठीक है भाई चलो। और बंदे आ रहे हैं, और बंदे आ रहे हैं, ध्यान रखो ध्यान रखो, और बंदे आ रहे हैं। तेज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और गॉड, और भी बंदे हैं यहाँ। चल अब ड्राइवर को बुला ली, ठीक है मैं ड्राइवर को बुला लेता हूँ। वेरी गुड। ओके, मैं बस इसमें डालने लगा हूँ, डालने लगा हूँ, डालने लगा हूँ, डालने लगा हूँ। बस डल गया डल गया डल गया डल गया। ओ हो, ड्राइवर ड्राइवर उठा दे। ओके मैं आ रहा हूँ, बस पहुँच गया। हमारे पास तुम्हारे इस बस के लिए टाइम नहीं है ड्राइवर, जल्दी आओ। अगर आप लोगों को ट्रेवर फिलिप्स कंपनी की सर्विस चाहिए तो तमीज से रहना पड़ेगा, ठीक है ड्राइवर? बस उठा ले जल्दी आ जाए अंदर। ओके ओन एंड आउट, जल्दी 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 मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम लोग इससे निकल जाओ यहाँ से। चल पागल तो नहीं हो गया तू, हमारे साथ चलो तुम। नहीं तुम अगर मर गए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, समझे? मैं मर भी जाऊँ तो तुम लोगों की मैं कभी जिम्मेदारी नहीं दूंगा। दिमाग ख़राब नहीं है मेरा? दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा? पकड़ो 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 इसे, रुको रुको, मैं एक FBI एजेंट हूँ, मैं तुम लोगों की मदद करने आया हूँ यहाँ पर। दिमाग खराब लोगों ने मेरे को गोली चलाई। चलो 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 निकलो यहाँ से। ठीक है माइकल, हम कभी बाद में मिलेंगे। अरे डेवी तुम क्यों इतनी टेंशन लेते हो? मैं टेंशन नहीं लेता। अब माइक, अब तुम लॉस एंजेलिस वापस आओ किसी भी हाल में, समझे हो? मैं आने की बिल्कुल कोशिश तो करूँगा, लेकिन अब देखते हैं वो पागल इंसान ट्रेवर क्या करता है। मैंने उसको बोला है उसकी बीवी को वापस कर दे। मुझे तुम्हारी इस फालतू छोटी और बकवास कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। आह फ्रेंकली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? देख फ्रेंड, इतने बड़े बड़े काम किए हैं हमने, ये देख। तुम खुश क्यों हो रहे भाई? ये देख ये देख ये देख, वो अपनी बीवी वापस लेके हमें वापस लॉस एंजेलिस आने के लिए इजाज़त देने के लिए मान गया है। बस अब हमें क्या करना है, हमें उसकी बीवी उसको वापस करनी है। किसी भी हाल में उसकी बीवी उसको वापस करें और हम लोग लॉस एंजेलिस में अंदर डायरेक्ट, और आगे कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। ठीक है देखते हैं इस बात को भी। मैं आपको वापस तो करने जा रहा हूँ आपके घर, लेकिन मैं आपसे जुड़ गया हूँ। लेकिन क्या है ना, अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी, लेकिन मैंने दोनों दिन देख लिए। तुम बहुत अच्छे इंसान हो ट्रेवर, मैं तुम्हें शायद मिस करूँगी। मैं घर वापस आ गई, मैं आपको मिस करूंगा। आप बहुत अच्छी औरत हो, मेरी बीवी आ गई आखिरकार। मत राजो, इस अच्छी औरत का ध्यान रखी। फ्रैंकलिन को शुक्रिया कहना और माइकल को भी, और थैंक यू तुम्हारा भी। अब तुम जाओ लॉस एंजेलिस वापस, ठीक है मत राजो?
मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन निसरत का ख्याल रखना। चल आ गए तुम, मेरा फ्रेश तो ठीक करवा दो। कोई बात नहीं, खुद हो जाएगा ठीक, मैं क्या करूं। और छोटे कैसे है? और फ्रैंकलिन कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और मैं तुमसे इतना भी छोटा नहीं हूँ। हम एक बड़ा स्कोर करके मामला ख़त्म करेंगे। ये जो एक फालतू हंसी खुशी रहने का नाटक है, ये ख़त्म करते हैं। अब एक बड़ा स्कोर और हम अपनी अपनी जिंदगियों में खुश। वाह, क्या प्लान है? लेकिन प्लान क्या है ये तो बताया नहीं। ये हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट किस काम के आएंगे। हाँ हाँ, ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट। ओ बाबा, कैसा हो तुम लोग? मैं तुम लोगों का बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था। अरे तुम लोगों के पैसे तो मिल गए ना बबुआ। लेस्टर, काम की बात पर आओ। हाँ तो मैं श्योर, मैं आता हूँ आता हूँ। लेकिन अब ये जगह बहुत अच्छी है, मेरा ऑफिस तो बंद होने वाला है बबुआ, तो मैं अब यहीं पर काम करूँगा। हाँ सही पकड़े। तो हाँ, अब जैसा ट्रेवर ने मुझे बताया और माइकल ने भी, तो एक बड़ा स्कोर करने के लिए हम सारों को एक बड़ा काम करना पड़ेगा। हाय हाय, तो क्या बड़ा काम? क्या अब इस बड़े काम को किस तरह करेंगे? हम लोग कुछ तस्वीरें बनवाते हैं ना, अभी कुछ देखते हैं, अब ये काफ़ी काम है हमारे पास। हाँ समझ में आया क्या बबुआ? हाँ मुझे समझ में आ गया। और अब हम लोग ऐसी जगह को अपना ऑफिशियल ऑफिस बनाएंगे और यहीं पे काम क्या करेंगे बबुआ। सही है सही है। चलो अब तुम लोग बैंक जाओ और वहाँ पर चेक करो। तो फ्रंट डोर पे तो इतनी खास सिक्योरिटी नहीं है, कोई पीछे जाके देखते हैं। सही बोला बाबा, ये बैंक हालांकि इतना बड़ा है लेकिन इतनी बेकार सिक्योरिटी, पता है अंदर बहुत सिक्योरिटी होती है, देखते हैं अभी। सही बोल रहे यार, अंदर हद से ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। अच्छा अपनी बीवी का क्या कह रहे? बीवी का क्या करना है, मैंने लंच भी मेरे बहन जो दिमाग ख़राब कर दिया मेरी बीवी ने मेरा। चल अब वहाँ देखें ज़रा, देखी देख रहा हूँ भाई, लेकिन उधर भी मुझे कोई इतनी अच्छी सिक्योरिटी नहीं दिख रही। उनकी गाड़ियाँ तो आने दे, फिर देखते हैं इनकी सिक्योरिटी। सही बोल रहे, दो तीन बंदों से ज़्यादा भी नहीं है यहाँ पर। हाँ तो यहाँ पे दो तीन बंदों से ज़्यादा हैं ही नहीं। हाँ ड्राइवर, गिव मी अ रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट दूँ, अभी तो वॉल साफ कर रहा हूँ। जल्दी आओ बैठो अंदर, अब हमें जाना है लॉसन टॉस की तरफ। ठीक है, मुझे वो बसेस दिख गई हैं, मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। ओके ओके ठीक है, वो गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं। ओके अंदर चली गई। ओके हम लोग यहाँ पर जगह देखने आए हैं जहाँ पर हम ये माल सेव करेंगे। ठीक है, जगह मैंने देख ली है, काफ़ी बेहतरीन जगह है। माइकल, हम वापस लॉस एंजेलिस जा रहे हैं, सिर्फ वापस जा रहे हैं ताकि हम लोग अपना वहाँ पे हेलीकॉप्टर पार्क कर लूँगा। ठीक है ओके। ठीक है तुम जाओ, मैं यहाँ पे फ्रैंकलिन को ड्रॉप कर दूंगा। बाबा मैं माइकल से बात कर लूंगा, बाय। माइकल माइकल माइकल, देख मेरे यार, तू अपनी बीवी और अपने बच्चों का कुछ कर, ऐसे बगैर उनके जिंदगी तेरी मुश्किल है। ठीक है यार, मैं देखूंगा उनका भी। ठीक है मैं लेस्टर से बात करके। हे मैन, कैसे हो? फक ट्रेवर, तुम क्या है? मैंने सोचा अब हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं, दोबारा मिले हैं,
तो कुछ पार्टी शार्टी हो और तुम्हारी फैमिली अभी तक वापस नहीं है क्या? ना नहीं आई। कैसे? अब तुम देखो यार, मैं इस काम से बिल्कुल आउट हो जाऊंगा जल्द। अब मैं अपनी फैमिली को वापस लाऊंगा। तुम्हें पता है तुम क्या हो माइकल? तुम एक बहुत आला इंसान हो। तुम कभी भी खाली नहीं बैठ सकते। तुम हर वक्त चोरियों के बारे में सोचते रहते हो। तुम बैक हो, तुम नहीं हम दोनों आ गए हैं वापस। अब हम दोनों रॉक कर देंगे। लेस्टर अब संभालता है, अब वो हमारा पुराना दोस्त ब्रेड, उसको भी हम जल्द उस जेल से बाहर निकालेंगे। लेस्टर पूरे इंटरनेट संभाल लेता है, फ्रैंकलिन संभालता है। तो तुम समझ नहीं रहे यार माइक ट्रेवर, यार समझो मेरी बात को। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट मूवीज़ में है। हाँ, तुम्हारा इंटरेस्ट मूवीज़ में है तो तुम इसको एक सेकंड जॉब की तरह यूज़ करो। लेकिन नहीं, ये एक बड़ा और एक आखिरी स्कोर होगा, इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। और तुम्हारा तुम तो हमेशा अपने बारे में सोचते रहो। मेरी एक फैमिली है, तुम अपने फैमिली और अपने बारे में सोचते रहोगे हमेशा, समझे? नो, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम एक घटिया और चीप इंसान हो। ट्रेवर, मेरी बात तो सुनो। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। तुमने हमेशा, तुम एक मर गए थे। मैं हमेशा इस बात का गम बनाता रहा कि मैं क्यों बचा उस दिन। हाँ, मैं मर गया था तो मैं मरा था, तो मैं जिंदा भी हुआ। मैंने मौत को बहुत नज़दीक से देखा है। मैं जानना एक बात तो चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ 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 बताओ। हाँ, तुम मुझे ये बात बताओ कि उधर तुम्हारी लाश की जगह पर किसकी लाश दफन है? मुझे नहीं पता। तुम जानते हो मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं, मैं जानता हूँ तुम एक घटिया और चूतिया इंसान हो। मेरा दोस्त ब्रेड। ए ट्रेवर, ट्रेवर पैंचोट। ओह ग्रेट, फक फक। हेलो हेलो ट्रेवर, मेरी बात तो सुनो। नहीं, सुनने लायक बात ही नहीं रही अब तो। ट्रेवर देखो, हम लोग ये बात बैठ कर भी कर सकते हैं। नहीं, ये बात अब बैठ कर नहीं होगी, ये बात अब वो लाश खोद कर ही होगी। नहीं ट्रेवर देखो, मैं तुम्हें बचाना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसे राज हैं जिनको राज रहने में ही भलाई है जिनके। ना 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 ना, अब तो ये बात मैं जान के रहूँगा कि वहाँ दफन कौन है। मैं जानना चाहता हूँ वहाँ पर कौन दफन है। तुम एक चूतिए और घटिया इंसान हो। मैं बस तुम्हारा एक ट्रिप बचाना चाह रहा हूँ। तुम इतना दूर जाओगे क्या उसके लिए? हाँ, मैं दूर भी जाऊँगा, सब कुछ करूँगा, बस ये बात जानने के लिए कि कौन है वहाँ दफन। जाओ बाढ़ में जाओ। हेलो हेलो देव, वो सब कुछ जान चुका है। कौन और क्या जान चुका है? ड्राइवर सब कुछ जान चुका है। क्या क्या जाना है वो? क्या वो मेरे बारे में जाना है? नहीं, वो अभी तक सिर्फ मेरे बारे में जानता है। चल, तुम्हारे बारे में भी जान जाएगा। ठीक है, तुम जाओ अभी उस इलाके में और सारे सबूत मिटाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो देखो ड्राइवर की जान। हेलो रॉन, क्या तुम्हारे पास एक प्लेन होगा अर्जेंट? हाँ है बउवा, मुल्क से बाहर जाना है। ठीक है, मैं दिला दूंगा पप्पा। जिन बच्चों की राशि यहाँ है, क्या बच्चों के जमाने में देखते हैं आज इस 20 साल पुरानी लाश को फंदाश में पहुँचा। Who you got in here, huh? As if I need to ask. देखो अमेंडा बेबी,
हमें यहाँ से जाना पड़ेगा किसी भी हाल में। इस जगह पर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं ये जगह नहीं छोड़ सकती। चला चला चलाओ। ए ध्यान रखना किसी को चोट ना आए। चलो देखो हमें यह जगह छोड़ के जा। तुम क्या चाहती हो हमारे बच्चे कहाँ बड़े इस जंगल में जहाँ बर्फ ही बर्फ हो या फिर किसी। ए जो ड्राइवर तुम बस अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। ओ मुझे पता था तुम यहाँ आओगे लेकिन मैं किसी भी हाल में नहीं रुकूँगा। हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फालतू बकवास बहानों से मैं रुक जाऊँगा। हाँ मैं कभी नहीं रुकूँगा। मैं देख के रहूँगा यहाँ तबाह कौन है। हाँ मैं देखूँगा ही देखूँगा। ड्राइवर तुम समझ क्यों नहीं रहे जो दब गया उसे दबा रहने दो। उसे निकाल कर फालतू बातें खोद कर क्या फ़ायदा। हाँ इसके नीचे हजारों रास्ते फन होंगे उनको क्यों खोद रहे हो। मत खोदो ड्राइवर पुरानी यादें। मिल गया मुझे। ब्रेड मुझे पता था तुम इतने जालिम हो गए। मैंने कुछ नहीं किया। एक मरे हुए इंसान का थोड़ा सा इस्तेमाल किया। मरे हुए इंसान का इस्तेमाल? तुमने एक मरे हुए इंसान की लाश अपनी जगह पे दफना दी। हाँ और वहां पर ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हो। तो दफना तो दी ना ट्रेवर। फालतू बातों को गड़े मुद्दों को क्यों उखा रहे हो। तो अब मैं तुम्हारा सारा प्लान समझ रहा हूँ। पता है तुम्हें तुमने अब मुझे पता चला वहाँ पर पुलिस आई थी तो आई कैसे। हाँ वो मैंने मंगवाई थी लेकिन मेरा इरादा इसको मारने का नहीं था। ए बहादुर चौध ना ट्रेवर ना मुझे पता है कि तू भी बंदूक लेकर फिरता है इसलिए मैं तुझे अपने भाई जैसा मानता था लेकिन तू कंजर का है बच्चा निकला। हरामजादे तू ने वहाँ पर चाहता तो मुझे भी मरवा देता लेकिन तूने मुझे तड़पने के लिए जिंदा छोड़ दिया। ड्राइवर फालतू बातें ना बोलो। अब तेरी माँ की कोस दफा हो जा। कौन है ये मदरचोद? कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ तुम्हारा कोई मतलब नहीं मुझसे। हाँ तुम अपनी चुप करके अपने आप को हमारा हवाले कर दो। हाँ तुम लोग हो कौन? मुझे तुमसे इस किस्म की पचकानी हरकत की उम्मीद थी। ए, रुक जाओ अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ठीक है। चलो चलो गाड़ी से उतर रहे हो। हेलो ड्राइवर। हेलो मिस्टर चिंग। हमने आपकी जुगुई यार माइकल आपके प्यार को पकड़ लिया है। अच्छा तो पकड़े रखो और उसको बोल देना मैं उससे बड़ा मोहब्बत करता था जब तक उसने मेरे दोस्त का कत्ल नहीं किया था।